इस वीडियो में अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो अब करना है स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टू दी स्फेरिकल मिरर्स। और स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो टू टाइप्स के हैं, एक आपका है कनकेव मिरर और दूसरा आपका है कन्वेक्स मिरर। तो ये टू टाइप के मिरर हुए। और इन टू टाइप के मिरर को हम कैसे ड्रा करते हैं, तो जो पहला आप देख रहे थे कि प्लेन मिरर है वो बिल्कुल इस टाइप से है, इसको हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं। ये यूनिफॉर्म थिकनेस का है, राइट? इसकी थिकनेस जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। लेकिन ये जो मिरर है अगर इसको इस तरीके से अंदर की साइड को मोड़ दिया जाए, राइट, तो ये हो जाएगा आपका कनकेव मिरर, कनकेव मिरर हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग बाहर की साइड को ऐसे मोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका कन्वेक्स मिरर। ये बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको मैं सही कर दूं तो कुछ इस वे में ये हो जाएगा आपका कन्वेक्स मिरर। लेकिन कन्वेक्स मिरर कैसे होगा इसको भी मैं ठीक कर देता हूँ, ये और थोड़ा ढंग से हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब जैसे ये पीछे जो लाइन ड्रा की है ना, इसका मतलब ये है कि बैक साइड पॉलिश्ड है, ये जो सिल्वर पॉलिश होती है ना उसी के थ्रू आपको इमेज दिखाई पड़ती है। तो इसकी जो पॉलिश है वो बैक साइड में इस वे में है। तो अब ये हुआ कनकेव मिरर, और इसके जो है इसका बीच का साइड बाहर को निकला हुआ है, तो ये है कन्वेक्स मिरर, और इसकी बैक साइड में भी पॉलिश की हुई है, तभी तो मिरर है, राइट? ये अंदर की साइड को है और ये बाहर की साइड को निकला है, तो ये कन्वेक्स मिरर होगा, राइट? तो ये तो हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी मिरर। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि भाई आपके ये जो मिरर हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये प्लेन मिरर है और यहाँ एक ये इसके हॉरिजेंटल, मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ किसी टेबल पर जो है ये कोई ऑब्जेक्ट रखी है, तो ये कैसे दिखाई पड़ेगी, राइट? तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ इस वे में दिखाई पड़ेगी और इतने ही साइज की ये दिखाई पड़ेगी, कितने डिस्टेंस पे, इसके बैक साइड इतने ही डिस्टेंस पे वो दिखाई पड़ेगी, राइट? लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट अगर मैं इसके सेंटर, यहाँ ये सेंटर है, इससे एक लाइन ड्रा करता हूँ इस टाइप से और यहाँ एक ऑब्जेक्ट मैं रख दूँ, राइट, तो वो जो इमेज है वो कहाँ डेवलप होगी? और सपोज किया ये जो लाइट यहाँ ऑब्जेक्ट हमने रखा है ये बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे है जिसको इनफाइनाइट बोलते हैं, तो सारी जितनी भी लाइट रे यहाँ से आएंगी वो पैरेलल होंगी, राइट? इन्फिनिटी से जो भी लाइट रे आती हैं वो क्या है, वो पैरेलल रहेंगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो लाइट रे हैं ये कहाँ से जाएंगी? अगर हम कहें कि इसका फोकल पॉइंट यहाँ है, राइट, ये इसका फोकल पॉइंट है, तो ये सारी लाइट रे जो कि पैरेलल थी वो यहाँ से जाएंगी इस तरीके से, जी यहाँ से जाएगी इस साइड को आफ्टर रिफ्लेक्शन, राइट? तो ये फोकल पॉइंट था यहाँ पर। तो उसी टाइप से जो है आपका ये दूसरा जो मिरर है यहाँ, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं एक्चुअली, और ये इसके सेंटर से ऐसे जाएगी, तो इसका जो फोकल पॉइंट होगा वो इस साइड में होगा, इसके बैक साइड में, राइट? तो इन्फिनिटी से जैसे ऑब्जेक्ट हम लोगों की इन्फिनिटी पे रखा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो है लाइट रे वो कहाँ से आपको आती हुई दिखाई पड़ेंगी? वो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ इस फोकल पॉइंट से, तो इसलिए इसको डॉटेड लाइन, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी,
यहाँ ये इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगी कि फोकल पॉइंट से आती हुई, ये जब मैं इसको रिफ्लेक्शन में दिखा रहा हूँ तो थोड़ा टिल्ट हो जा रही है, तो इस तरीके से ये आपको यहाँ से दिखाई पड़ेगी, राइट। उसी वे में ये सेम उस पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी जो बॉटम साइड में है इसके, तो यहाँ से उसी तरीके से ये अगर इसको बैक साइड में इंक्रीज करेंगे तो फोकल पॉइंट पे मिला हुआ आपको ये लाइट रे दिखाई पड़ेगी, राइट। तो दूसरी जो पैरेलल रे है वो ये थी, और ये भी रिफ्लेक्शन के बाद में ऐसे दिखाई पड़ेगी कि जैसे कि फोकल पॉइंट से आ रही है, राइट। अगर बहुत ही माइन्यूटली आप इसको देखते हैं तो एक छोटी सी लाइन अगर यहाँ पे ड्रा करते हैं, राइट, तो ये जो है जिस एंगल पे यहाँ पे स्ट्राइक की है, तो अगर आप एक नॉर्मल ड्रा करेंगे तो वो नॉर्मल ऐसे होगा इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर ड्रा करेंगे तो ये छोटा सा है, अगर पॉइंट कंसिडर करेंगे तो इसका नॉर्मल ये होगा। और ऐसे ही अगर आप यहाँ एक छोटा सा ये प्लेन कंसिडर करते हैं तो उसका जो नॉर्मल होगा वो ये होगा। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ कहाँ होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ कहाँ होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा आर, और ये क्या होगा आई, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको। और अगर आप इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी इसको अगर पीछे की साइड को ज्वाइन करेंगे तो जिस पॉइंट पे ये ज्वाइन होगी उसको कहेंगे फोकल पॉइंट। तो अब आप ये डिफरेंस खुद ऑब्जर्व कर लो कि भाई जब मैं यहाँ कन्वेक्स मिरर यूज करता हूँ तब जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, और जब ये कनकेव मिरर यूज किया है तब लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई है, और वो कहाँ मिलती है, राइट। यहाँ इस केस में कहीं मिलेंगी आपको, कहीं मिलती हुई दिखाई पड़ रही है किसी एंगल पर, कहीं फोकल पॉइंट है इसका प्लेन मिरर का, तो फोकल पॉइंट तो इनके पास में। तो एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है जिसको अभी हम इमेज फॉर्मेशन में यूज करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।